राजस्थान में चुनाव की बिसात बीत चुकी है, चुनावी बिगुल बज चुका है, पार्टियों ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी केकड़ी विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे सुजानगढ़ विधानसभा सीट के बारे में। उत्तर भारत के अहम राज्यों में शुमार होने वाले राजस्थान के उत्तर क्षेत्र में मौजूद है चूरू जिला, जहां बसा है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर लगभग 28,07,995 मतदाता है, जो अपने मत का प्रयोग करेंगे और साथ ही प्रत्याशी की हार जीत का फैसला भी वही करेंगे। इस बार होने वाले चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने मनोज मेघवाल को मैदान में उतारा है, तो वही बीजेपी की ओर से संतोष मेघवाल मैदान में उतरी है। वही अगर यहाँ के जातिगत समीकरण पर गौर करें तो ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन ये सीट जाट बाहुल्य क्षेत्र भी है, जिसकी संख्या तकरीबन 70,000 है। और वही अगर अन्य जातियों की बात करें तो मेघवाल वोटर्स की संख्या करीब 40,000, राजपूत वोटर्स की संख्या करीब 13,000, नायक वोटर्स की संख्या करीब 12,000 से 15,000 और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 13,000 से 14,000, मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 10,000 से 12,000 है, जो किसी भी जाति का समीकरण बना भी सकती है तो बिगाड़ भी सकती है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 25,05,485 मतदाता थे, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मास्टर भंवरलाल मेघवाल को 83,632 वोट देकर विधायक बना दिया था, जबकि भाजपा उम्मीदवार खेमाराम को 44,883 मतदाताओं का समर्थन ही मिला था और उन्हें 38,749 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। सुजानगढ़ विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ये सीट भंवरलाल मेघवाल के नाम से जानी जाती है। 1990 से लेकर अब तक हुए यहाँ 8 चुनाव में कांग्रेस ने 5 बार जीत हासिल की है, तो बीजेपी यहाँ पर अपना खाता सिर्फ 3 बार ही खोल पाई है। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।